किसान वीरों, आज हम स्पेशली कवर कर रहे हैं 6055 जो कि फार्म ट्रैक कंपनी का है। फार्म का स्पेशली 60 ट्रैक्टर काफी फेमस हुआ था, उसके बाद 6055 इनका नया मॉडल आया। इसका पहले मैं आपको एक छोटा सा व्यू देना चाहूंगा, तो सर बताएं इस ट्रैक्टर के बारे में, इस ट्रैक्टर की क्या क्या खासियत है और इसके क्या ये कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? सर ये हमारा मॉडल है 6055 जो कि 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। Okay. और ये T20 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है। इस ट्रैक्टर की खासियत ये है सर कि इस ट्रैक्टर में हमने जो है पाँच साल की वारंटी दी है और 500 घंटे पे सर्विस है इसकी। मतलब अन्य ट्रैक्टरों में 250-300 पे होती है, हमारे ट्रैक्टर में जो है 500 घंटे पे सर्विस है। इसमें हमने जो है इंजन जो बनाया है, इसमें लिक्विड सीलेंट इंजन है, एवियल टेक्नोलॉजी के साथ है और लिक्विड सीलेंट है, मतलब पैकिंग नहीं है, इसमें लीकेज की दिक्कत नहीं होती है। और जो हमने इसमें पावर स्टेयरिंग दी है वो बैलेंस पावर स्टेयरिंग दी है, डबल एक्टिंग है। और इसमें जो हमने खासियत ये है कि पावर स्टेयरिंग की जो उसका जो ऑयल चैम्बर है वो हमने अलग से पावर स्टेयरिंग का दिया है अलग से जी। इसका और क्या 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 फ़ायदा होता है सर? इससे फ़ायदा ये है सर कि जैसे अन्य ट्रैक्टरों में क्या था, पहले भी क्या था कि पावर स्टेयरिंग का जो ऑयल होता था वो या तो गेयरबॉक्स या हाइड्रोलिक से आता था। इससे समस्या ये आती थी कि जैसे लंबे समय आपने काम किया उसके बाद किसी अन्य ट्रॉली से कनेक्ट किया तो गंदे तेल हुआ करते थे तो वो पाइप में आ जाते थे। इससे होता क्या था कि आपकी पाइप लाइन जो है कभी चोक कर जाए, दिक्कत होती थी चलाने में। अब क्या कर दिया कंपनी ने, अलग से चैम्बर लगा दिया ऑयल चैम्बर, जिससे ये है कि आपका लक्की लंबी लाइफ है जी। और ये ट्रैक्टर में हमारे क्या है, T20 है। T20 मतलब कि 20 स्पीड गियर बॉक्स है, मतलब हाई लो होता है और एक सिलेक्शन लीवर होता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। इस ट्रैक्टर में 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स है, मतलब कि हमने आपको एक अलग से लीवर दिया हुआ है। इस लीवर इसको बोलते हैं हम, है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्प्लिटर गियर बोलते हैं, मतलब कि इसमें एक बुल बना हुआ है, एक हॉर्स बना हुआ है। अगर आपको कहते हैं एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए तो आप हॉर्स पे लगा दीजिए, और अगर एक्स्ट्रा ताकत चाहिए तो बुल पर लगा दीजिए आप। मतलब H1 पे चला रहे हैं, अगर आपको और मतलब ताकत चाहिए तो आप बुल पे लगा लीजिए गियर को। अगर आप H1 पे ही चल रहे हैं या किसी और लीवर पे चल रहे हैं और स्पीड चाहिए एक्स्ट्रा तो आप हॉर्स पे लगा दें। तो ये हमने हर गियर पे एक एक्स्ट्रा स्पीड दी हुई है, इसकी ये खूबी है सर। और इस ट्रैक्टर में मल्टी स्पीड भी है, मल्टी स्पीड PTO भी है और रिवर्स PTO भी है। ये हमारा डिजिटल मीटर रहेगा सर, हाँ, आवर कम RPM है इसमें। इसमें सारे डैशबोर्ड पे ये LED डैशबोर्ड है, जिसमें कि आपको रात में भी दिन में भी एक जैसा ही दिखेगा सर, इसकी खूबी है सर। और ये बताएंगे सर इसमें कि क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं? इसमें आपका कहते हैं सर, कहते हैं रेडिएटर अगर हीट हो रहा है उसका देगा, या इंजन हीट हो रहा है उसका दे देगा, और अगर आपका एयर क्लीनर चोक हो रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि आपका एयर सुपर फिल्ट्रेशन जो लगा हुआ आगे चोक हो गया है, उसको आप यहाँ पे इंडिकेट कर देगा। ये सर मोबाइल चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ जी, मोबाइल चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है हमारे सिस्टम में जी, हाँ यहाँ पे दिया हुआ सर। और इस कार्टर खाते दिया कि हमने अपने फार्म ट्रैक में हमारे LED लाइट दी हुई है, जिससे सारे LED लाइट है, हेडलाइट भी LED है, इससे क्या है कि इसकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा आएगी। ये हमारा देख रहे हैं ट्रैक्टर में फ्रंट जो फ्रंट एक्सेल है एडजस्टेबल है, इसको आपने काम के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं ये। और इसमें एक खासियत ये कि आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें हमने इसमें एक सेंसर लगा के दिया हुआ है, ये इसलिए ये एयर क्लीनर के लिए, इसमें एक एयर क्लीनर है, सुपर फिल्ट्रेशन एयर क्लीनर है। जैसे आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आपका क्लीनर चोक हो जाता है, तो आप यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, सेंसर देख रहे हैं यहाँ पे लाल कलर की रिंग है जो आगे आ जाएगी जब आपका एयर क्लीनर चोक हो जाएगा तो। और ये इंडिकेटर जो है आपके डैशबोर्ड पर भी वहाँ पर लाइट जल जाएगी कि आपका एयर क्लीनर जो है वो चोक हो चुका है, उसको सफाई कर ले। तो किसान को इसकी सहूलियत ये है कि कम से कम उसको मालूम तो जाएगा कि आपका एयर क्लीनर चोक हो गया, गंदा हो गया है। और आपको मैं दिखाऊँ देखिए रिम पर जो है फार्म ट्रैक के रिम पे मैंने स्टिफनर लगा के दिया हुआ है, इससे क्या है कि हमारे फार्म ट्रैक के ट्रैक्टरों में जो भी मतलब और भी ट्रैक्टर हैं इसमें रिम कट जाती है और चटक जाती है, तो इससे इसकी लाइफ बढ़ गई है, इसको सेफ रखेगा। हमारा जो पिछला हिस्सा है सर वो EPI टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, देख रहे हैं आप ये हांडी बनी हुई है, इस तरफ देखिए ये हांडी बनी है, ये दो तरफ हांडी बनी है। इसमें क्या है कि एक बीच में क्या लगा, तीन साइड में लगे हैं, इससे क्या आप भारी कामों के लिए हैवी ड्यूटी है, टूट फूट नहीं होगी। और इस ट्रैक्टर पे हम आपको लिख के दे रहे हैं 5 साल वारंटी है, 5000 घंटे की। सर बताएंगे इसकी जो PTO पावर है वो कितनी है सर? सर PTO पावर इसकी कहते हैं तकरीबन जो है कहते हैं 43.5 है जी सर। और जो इसकी सर लिफ्ट कैपेसिटी है उसके बारे में सर आप हमें बताएं। लिफ्ट कैपेसिटी हमारी 18 क्विंटल की है, 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा हम फार्म ट्रैक वाले देते हैं इसकी हाइड्रोलिक की क्षमता जो है। और इसमें हमने ट्रॉली ट्रिपिंग के लिए देखिए मैंने दिया हुआ है एक क्विक रिलीज कपलर बोलते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है क्विक रिलीज कपलर।
ओके, इसका क्या फायदा रहेगा? इसका फायदा ये कि ट्रॉली को आसानी से आप जोड़ सकते हैं और अपने काम को कहते हैं जल्दी से कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको कहते हैं टाइम लगना है, ट्रॉली पलटाना है, कहीं मतलब कहीं पे माल गिराना है तो टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे जोड़िए उसको, आप ना काम कर चल दीजिए। ये देखिए अपने यहाँ पर हमने वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। जब होता क्या है, कभी भी हम लंबे समय तक काम करते हैं तो गर्म होने के जब गर्म हो जाता है टंकी, तो उसमें भाप बन जाती है, पानी के कण आ जाते हैं, जिससे कि पानी यहाँ पर आ जाता है। और पानी जो होता है सर इंजन के लिए जहर है समझिए, तो इसलिए पानी के लिए हमने एक अलग से यहाँ लगाया वाटर सेपरेटर लगाया हुआ है। यहाँ एक लाल रिंग पड़ी हुई है, जब पानी यहाँ पर आएगा तो लाल रिंग जो ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब इसमें पानी आ गया, तो यहाँ से आप ड्रेन कर सकते हैं, ड्रेन करके पानी निकाल दिए, जब डीजल गिरने लगेगा यहाँ से बंद कर दिए। इससे क्या है कि आपके इंजन की लाइफ ज़्यादा रहेगी, सेफ रहेगा। तो सर आप मुझे ये बताएं भी, जो फार्म ट्रक सेट था 60 था, उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस यही है कि वो 50 हॉर्स पावर में है, ये 55 हॉर्स पावर में है, वो 3 सिलेंडर में है, ये 4 सिलेंडर में है सर। और बाकी वो भी T20 में भी आता है, बाकी सेम जो फीचर्स हैं सारे इसके जी, उसके भी जो भी हाइड्रोलिक की क्षमता है उसमें जितनी है उतनी इसमें भी है, लिक्विड सिलेंडर भी है, लिक्विड सिलेंडर वो भी है, बैलेंस पावर एंड डबल एक्टिंग वो भी है, ये भी है सर। बस फर्क इतना है हॉर्स पावर का सर, फर्क है इसमें जो भी है। तो सर बताएं भी आपका ट्रैक्टर किसान क्यों खरीदें, क्योंकि इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं? और पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि कहते हैं ये अपने देश का ट्रैक्टर है, 70 साल से हम इसकी सुविधा दे रहे हैं किसान भाइयों को। हाँ, और दमदार ट्रैक्टर है, एस्कॉर्ट में 325 के नाम से भी ट्रैक्टर आता था हमारा, मगर अब जो है हमने दो ब्रांड कर दिए हैं, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक। तो फार्म ट्रैक ब्रांड जो मतलब है हमारा, कहते हैं एक मतलब बेहतरीन ट्रैक्टर है, जो कि मतलब बड़े कामों के लिए है, हैवी ड्यूटी कामों के लिए है, बेस्ट ट्रैक्टर है ये हमारा। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तर सर इसकी कितनी कीमत है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे, क्योंकि हर राज्य में थोड़ा अलग अलग रहता है, आप मुझे एक्स शोरूम कीमत ज़रूर बता दें। ये देखिए कहते हैं हम लोग जो MRP कोट करते हैं ट्रैक्टर की, 7.5 लाख कोट करते हैं जी, सिर्फ ट्रैक्टर कीमत जो है, ठीक है। और बाकी कहते हैं डीलर जो भी है, अगर उसको कहते हैं जो भी कोट कर रहे हैं और जिसने भी हो उसको गुंजाइश हो, कम डिस्काउंट देके दे देते हैं किसान को। किसान वीरो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।